हे गाइस, दिस इज मनीष एंड आज के वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जिनमें कि लास्ट ईयर तक एडमिशन जिपमर, नीट एंड एम्स के एग्जाम के थ्रू होता था। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नीट से रिलेटेड या एनटीए से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाए आपको जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जिसका कि नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली है, यानी कि एम्स दिल्ली, जो कि इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आता है। अगर हम सिलेक्शन एंट्रेंस देखें तो भाई एम्स के थ्रू लास्ट ईयर तक एडमिशन होता था, बट इस साल से जो कि चेंज कर दिया है जिसका कि एक कंबाइन एग्जाम होगा जिपमर, नीट एंड एम्स का, तो उसके रैंक के बेस पे एडमिशन होंगे। बट लास्ट ईयर तक एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन एम्स के एग्जाम के बाद होते थे। उसके बाद हम सेकंड कॉलेज की बात करें तो भाई सेकंड कॉलेज जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी जिपमर, तो ये सेकंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर की बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड अगर इसमें हम सिलेक्शन देखें तो इसमें सिलेक्शन जिपमर यूजी एग्जाम के थ्रू होता है जिसका कि अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे कि गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, तो उसके थ्रू एडमिशन होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम थर्ड मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली हो जाता है जिसको कि हम शॉर्ट में AIIMS बोलते हैं। एंड ये नीट का एग्जाम जो कंडक्ट होता था लास्ट ईयर तक, उसका टॉप कॉलेज होता है जो जिसमें कि स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। एंड नाउ अब हम इनकी रैंक की बात करेंगे कि किस कॉलेज की किस मेडिकल कॉलेज की कितनी लास्ट ईयर तक रैंक थी एंड कितने उसमें नीट या एम्स के मार्क्स थे। तो दोस्तों, अगर हम AIIMS यानी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की रैंक की बात करें तो भाई कट ऑफ 2019 की थी, वो जनरल कैटेगरी की सेकंड राउंड तक की थी, वो ऑल इंडिया रैंक 32 थी एंड जिसके की मार्क्स 686 थे आउट ऑफ 72। एंड ओबीसी की जो सेकंड राउंड तक की रैंक ऑल इंडिया रैंक थी वो 148 थी जिसके अंदर की मार्क्स 678 थे। एंड एससी कैटेगरी की सेकंड राउंड की ऑल इंडिया रैंक 487 थी जिसके अंदर की मार्क्स 661 थे। एंड एसटी में सेकंड राउंड तक ऑल इंडिया रैंक 3494 थे जिसके की मार्क्स 624 थे। उसके बाद अगर हम फोर्थ कॉलेज देखें तो भाई वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली हो जाता है जिसे शॉर्ट में हम VMMC बोलते हैं, जिसके अंदर की सिलेक्शन नीट यूजी के एग्जाम के थ्रू होते थे लास्ट ईयर तक। एंड इसकी अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की सेकंड राउंड तक की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 157 थी एंड मार्क्स 677 थे। OBC के अंदर ऑल इंडिया रैंक 357 थी, मार्क्स 665 थे। SC शेड्यूल कास्ट के अंदर सेकंड राउंड तक की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 5617 थी एंड मार्क्स 611 थे। एंड ST की ऑल इंडिया रैंक 6010 थी एंड मार्क्स 608 थे। उसके बाद अगर हम फिफ्थ कॉलेज देखें तो भाई आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे हो जाता है AIIMS। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो वेल डन एंड गो। अगर हम सिलेक्शन देखें तो इस कॉलेज के अंदर सेम नीट यूजी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होते हैं एंड इसकी कट ऑफ जो 2019 की थी वो बॉयज़ के लिए 596 थी आउट ऑफ 72 एंड गर्ल्स के लिए 610 थी। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि बिकॉज बॉयज़ की कट ऑफ कम रह जा रही है गर्ल्स से, बट फैक्ट है। उसके बाद अगर हम सिक्स्थ मेडिकल कॉलेज देखें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली हो जाता है जिसे शॉर्ट में हम UCMC बोलते हैं, तो सिलेक्शन इसके अंदर भी सेम नीट यूजी एग्जाम के थ्रू होता है। अगर हम इसकी कट ऑफ देखें तो सेकंड, दोस्तों हम इस वीडियो में सारी सेकंड राउंड तक की कट ऑफ की बात करेंगे, तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 171 है एंड मार्क्स 676 है। उसके बाद OBC में ऑल इंडिया रैंक 374 है एंड मार्क्स 665 थे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में ऑल इंडिया रैंक 3231 है एंड मार्क्स 626 थे। उसके बाद ST कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 9012 है एंड मार्क्स 595 है। सेवन्थ जो मेडिकल कॉलेज आता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ है,
जिसकी कि यूआर कैटेगरी में सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया रैंक 360 थी। उसके बाद अगर हम एट्थ मेडिकल कॉलेज देखें तो सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई आता है, जिसके अंदर की सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक 638 एंड मार्क्स 657 है। शेड्यूल्ड कास्ट की सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया रैंक 16,925 एंड मार्क्स 568 थे। उसके बाद हम एसटी में ऑल इंडिया रैंक 14,781 एंड मार्क्स 574 थे। एंड नाइन्थ जो कॉलेज आता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी बीएचयू हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अंदर अगर हम कट ऑफ देखें तो सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक 669 है, जिसके कि मार्क्स 656 मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 1254 है, मार्क्स 645 है। ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 1097 है, मार्क्स 647 है। एंड शेड्यूल्ड कास्ट में हम देखें तो ऑल इंडिया रैंक 15,572 है एंड मार्क्स सेम 572 है। एंड एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 32,203 एंड मार्क्स 532 है। एंड लास्ट अगर हम इंडिया के टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर हो जाता है, जिसका कि पूरा नाम सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, जो कि जयपुर में सिचुएटेड है, जो कि आई थिंक काफ़ी सालों से टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में इंडिया के में जगह बना के रखी है जिस कॉलेज ने। तो बहुत अच्छा कॉलेज है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो भाई इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एलुमनाई ऑफ एसएमएस जयपुर बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल के प्रस्पेक्टिव से। नाउ अगर हम इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ देखें तो वो 760 रैंक है एंड मार्क्स 655 है। शेड्यूल्ड कास्ट में 14,864 है एंड मार्क्स 574। एंड शेड्यूल्ड कास्ट की ऑल इंडिया रैंक 11,928 एंड मार्क्स 584। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।